इसका क्या अर्थ है, ये सब आपसे पूछेंगे। ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये खबर बंगाल से आती हुई ममता बनर्जी की चोट को लेकर अब दबी जुबान में सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि उनके पीछे से धक्का दिया गया है, चिंता की बात है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनावी चाल है। वाकई ममता बनर्जी को गंभीर चोट लगी है, ये तस्वीर बीते दिन आई थी, जिसके बाद से अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आइए आपको सुना देते हैं क्या इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगी के पास। तोरे घटचे की ব্যাপার প্রশ্ন অনেক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অসুস্থ হয়েছেন, চোট লেগেছে, তাতে সেরে ওঠেন এটা আমরা চাইব। তারপরে এটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত যে কি করে ঘরের মধ্যে চোট পেলেন, কেন এগুলো হয়নি, অনেক প্রশ্ন থাকে সব ঘটনার, সে প্রশ্নটা ভাবা উচিত। কারণ উনি আমাদের পশ্চিমবাংলার এক নম্বর ব্যক্তি, তার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা সবাই চিন্তা। ধ্যান রাখনা চাহিয়ে, মুঝে লাগতা হ্যায় কি সবকো ধ্যান রাখনা চাহিয়ে। পিছলে বার ও ইন ক্যাশ কিয়ে থে ইসে চোট কো লেকার, ইস বার ক্যা লাগতা হ্যায়? ওই মে কহ রাহা হুঁ কি হর কিসি কো ধ্যান রাখনা চাহিয়ে, অর আপনে আপনে এজ কা তো সবসে পহলে ধ্যান রাখনা চাহিয়ে কি किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री जैसा चोट उनको पहुंचे है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री गेट वेल सून, क्योंकि उसको सामने बहुत लड़ाई है उनको। तो एक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने से उनको हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और जो उन्होंने डॉक्टर ने जो बोला है कि पीछे से उसको धक्का दे दिया है, ये तो बहुत मतलब चिंता का विषय है, और घर में ये हुआ है, तो ये सब लोग देखेंगे क्या है। बस इतना ही बोलूंगी कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। वोट से पहले चोट पर सियासी चोट, अनुपम ये क्या हो रहा है, क्या है मतलब, जरा फैक्ट्स बताएं, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और इस मुद्दे पर कैसे अब पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है पिछले चुनाव में भी चोट लगी थी, उसको लेकर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, क्या है ये? जी देखिए अंजना, सबसे पहले तो कल रात अचानक ही टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से तस्वीर आई, ममता बनर्जी को चोटिल होने की तस्वीर, माथे से खून निकल रहा था, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन काफी देर तक ये सस्पेंस बरकरार रहा कि आखिर चोट कैसे लगी। जो बात सामने आई शुरुआत में वो थी कि घर में ही वो गिरी हैं, इसकी वजह से उन्हें चोट लगी है, लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो HSSKM अस्पताल में वो भर्ती थी, वहां पर जो मेडिकल बुलेटिन आई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पीछे से धक्का लगने की वजह से वो गिरी, जिसकी वजह से चोट आई है। अब सवाल यही है, और अभी तक ये साफ नहीं है कि ममता बनर्जी गिरी कैसे, और विरोधी इसी पर सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच के विषय में कहूं कि ममता बनर्जी की ओर से अभी तक इस विषय में कोई भी शिकायत कोलकाता पुलिस को दर्ज नहीं कराई गई है। सीएम सिक्योरिटी जो होती है, जो ममता बनर्जी की सुरक्षा का ध्यान रखती है, वो निश्चित तौर पर इस बात को देख रही होगी कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है। धक्का देने की जो बात ऑफिशियल तौर पर सामने आई है, वो धक्का पीछे से लग गया या दिया गया, ये अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी अभी तक इस बारे में कोई खास सफाई नहीं दी गई है। लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर, और बीजेपी की ओर से खास तौर पर जो सवाल किया गया है कि अगर ऐसा है तो इस पर जांच होनी चाहिए, और इस पिछली बार भी हमने देखा था वो चोटिल हो गई थी 2021 के चुनाव से पहले, तो इस बार भी